हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो VBA प्रोग्रामिंग को लेकर के है। VBA में एक नया फंक्शन बनाना सीखेंगे। फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करेगा ये देखते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक एक्सेल शीट मेरे पास ओपन है और ये आप 2007 में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाता हूँ तो भाई इज इक्वल टू का निशान लगा के तो फॉर्मूला स्टार्ट किया जाता है, तो फिर इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे माय लिखता हूँ तो यहाँ पे माय कस्टम फंक्शन नाम से एक फंक्शन पहले से बना हुआ है। और अब अगर मैं यहां पर इसको सेलेक्ट करता हूं, फिर कॉमा लगाता हूं, फिर इसको सेलेक्ट करता हूं, फिर इसको बंद करता हूं, फिर एंटर करता हूं, तो यहां पर जीरो आ रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर G2 और H2 की बात है, तो G2 और H2 को पहले तो मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये है हमारा G2, इसको एक येलो कलर से हाईलाइट करता हूं और H2 को एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि अभी हमने यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है तो यहां पर कैसे कुछ आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 55 और यहाँ लिख दिया 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 60 आ जा रहा है, यानी ये ऐड कर रहा है। हमने अपना खुद का फंक्शन बनाया VBA प्रोग्रामिंग की मदद से, जिससे आप ऐड करने का कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी फंक्शन बनाना हो तो प्रोसीजर क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है? यानी अपना खुद का फंक्शन आप एक्सेल में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे बनाएंगे वही दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक शॉर्टकट की होती है, या तो आप अपने डेवलपर टैब को एक्टिव कर लीजिए और एक्टिव करके यहां से विजुअल बेसिक पे चले जाइए, अदरवाइज एक शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ फंक्शन की F11, इसको प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पर इंसर्ट पे जाना, ये इंसर्ट आपको दिख रहा है ना, देखिए ये ऊपर इंसर्ट लिखा हुआ है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, देन इंसर्ट है फॉर्मेट के ठीक पहले। तो इस इंसर्ट पे क्लिक करके और मॉड्यूल पे क्लिक करना, ये जो मॉड्यूल दिया गया यहाँ पर क्लास मॉड्यूल नहीं, यहाँ मॉड्यूल पे क्लिक करिएगा। अब जैसे क्लिक करते हैं तो VBA एडिटर हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ कोडिंग करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन किस नाम से बनेगा ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूं तो सबसे पहले यहाँ लिखूंगा फंक्शन, FUNCTION, ये लिख दिया फंक्शन। और फंक्शन किस नाम से होगा, जैसे माई ओन फंक्शन के नाम से होगा, माई ओन फन कर देता हूँ, इसी नाम से मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। आप जिस नाम से बनाना चाहें वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने दे दिया माई ओन फन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट को कर लीजिएगा ओपन, ठीक है? और दो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है? एक ए बना लेते हैं, तो यहाँ लिखा ए एज डबल। अब डबल क्यों लिख रहा हूँ, डबल एक डेटा टाइप है, अगर आपने पाइथन वगैरह पढ़ा होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में VBA अगर मुझसे पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि डबल जो है डेसिमल वैल्यूज भी कंटेन कर सकता है अपने पास, ठीक है? तो ये डबल जो है यहाँ पर हमने दे दिया है। और डबल देने के बाद यहाँ पे दूसरा B कर देते हैं, B एज, अब यहाँ पे B एज लिखा हमने और इसको भी कर देंगे डबल, DOUBLE, तो ये हो गया डबल। तो यहाँ पर ये डबल आ चुका है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और क्लोज करके यहाँ पे लिखिएगा एज, और इसको भी हम क्या रखेंगे, आंसर भी आएगा तो मेरा डबल में ही आएगा, यानी डेसिमल आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये हमने बना दिया, ठीक है? और ये बनाने के बाद क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है? अब ये क्या काम करेगा, तो ये दो नंबर को जो है सपोज कीजिए डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर किस नाम से फंक्शन है हमारा, तो माई ओन फन के नाम से है, यही है ना, माई ओन फन के नाम से हमारा फंक्शन बनेगा जो भी बनेगा। तो यहां पर आकर के नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इक्वल टू का निशान लगा करके ए अपॉन बी कर दीजिए। ये कर दिया आपने और ये करने के बाद काम हो गया, बस इतना ही करना है। जरा सोचिए कितना आसान है फंक्शन बनाना। अब देखिए, अब यहां से इसे सेव कर लेते हैं, तो सेव करने के लिए यहां से जाएंगे और यहां पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे, तो सेव हो गया ये न्यू डॉट XLS के नाम से। अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर, हमने फंक्शन किस नाम से बनाया था, माई ओन फन के नाम से ना, तो इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे लिखते हैं माई, तो यहाँ देखिए माई ओन फन आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है माई ओन फन, तो डबल क्लिक कर दीजिए। अब ये काम कैसे करेगा, 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ लिखा 5 और 2, मालूम है ना कितना आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2.5 आंसर आ रहा है। चलिए एक बार और चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। अगला देखिए, फिर मैं माई ओन फन लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कर दिया माई ओन फन और यहाँ पर इस बार 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये VBA प्रोग्रामिंग वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप VBA सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप देवरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे नजदीकी इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।